अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ राहील रऊफ और आप देख रहे हैं फ्रेश एंड फ्रोजन सी फूड ऑन फेसबुक, हंटर्स फूड ऑन यूट्यूब। आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं, नए देखने वाले चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो में हमने 800-900 ग्राम के पहले गोल्डन स्नैपर और रेड स्नैपर लेकर उसका बोनलेस बना लिया है। बिलो 1 kg है, 800-700, 800-900 ग्राम के। ये थ्रू आउट जून जुलाई भी आएगा ये प्रोडक्ट। अच्छा, इसका हमने जब हमें सस्ता मिलता है तो हम इसका बोनलेस बनाते हैं विद स्किन और विदाउट स्किन। इसके छोटे छोटे बिस्किट बना लेते हैं और कंप्लीट फिले भी रख सकते हैं, कंप्लीट फिले भी रख सकते हैं। उसमें थोड़े बहुत कांटे होते हैं और वो कांटे हम जब इसके बिस्किट बनाते हैं तो वो निकाल लेते हैं। और बस जीरा, अदरक लहसुन और नमक, इसकी मैरिनेशन हम दे देते हैं। नमक, अदरक लहसुन, जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं लेमन जूस डाल सकते हैं, ठीक है। और ये फिर उसको कॉर्नफ्लोर और मैदे का एक बिल्कुल खुश्क सा पाउडर मिक्सचर आपने प्लेट में रख लेना है। उसको उस पर डस्टिंग करनी है, आप देखेंगे इस वीडियो में, और मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लें। इसको हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोस में आपको ग्रिल कर बर्गर बनाकर दिखाएंगे और बेक कर भी बर्गर बनाकर दिखाएंगे और स्टीम कर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आप ज़रूरी नहीं इसके बर्गर बना सकते हैं, रैप्स बना सकते हैं, इसको पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप स्टर फ्राई कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ ये पीसेस को। मैं अक्सर ये किंगफिश के और इस ऐसे स्नैपर्स के बोनलेस के साथ टाइगर प्रॉन्स बनाता हूँ। ये देखें, हमने कॉर्न फ्लोर और ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा, इसका बैटर में जैसे आप चिकन बनाते हुए कर रहे होते हैं, रोस्टेड चिकन, और विद इन 5 मिनट ये आपका ये तैयार हो जाएगा। और ऑयल में एक्सपोज भी नहीं होती और फिश और बहुत जूसी, टेंडर, क्रिस्पी रहती है। फ्राइंग के लिए तो आपको यही करना होगा। आप मसाला लगाकर भी, जैसे हम तो ये बच्चों के लिए बनाते हैं, आप मसाला लगाकर भी रख सकते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बिस्किट्स तैयार हैं। तो हमने वेजिटेबल्स काटी हुई थी और बन वगैरह भी टोस्ट करके रख दिए थे, उसके ऊपर हमने खीरा, प्याज, टमाटर, मायो अच्छी कंपनी का, बन शुड बी फ्रेश और फिश तो फ्रेशेस्ट होती है हमारी, हुक हंटेड फिश जब भी आती है वीकली, तो हम ये बोनलेस बना कर रख लेते हैं और एज पर कस्टमर डिमांड हम देते हैं। फ्रेशली रेट महंगा पड़ता है, जैसे आपने सेम डे बनाए, अब वंस इन अ वीक आती है फिश फ्रेशेस्ट, तो बल्क आता है तो हम बना लेते हैं तो पूरे वीक में इस्तेमाल हो जाती है। रेगुलर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बर्गर तैयार हो गए हैं, आप देख रहे हैं। और ये फिश एंड चिप्स, फिश के जो क्रिस्पी फ्राइड बिस्किट्स कोटेड, तो ये देख रहे हैं आप, बहुत ही मज़ेदार जूसी। अब इसमें आप अच्छी कंपनी का यूज़ करें, टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस, और आप इसमें हर तरह की वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट लीफ वगैरह भी और आइसबर्ग वगैरह भी जो हमारे पास अवेलेबल था हम यूज़ करते हैं। साथ कोल स्लाव भी बना सकते हैं और हम भी बनाते हैं, और केचप भी हम अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं जैसे मिचल्स, कनौर वगैरह। और इंशाल्लाह आपको बताया है कि हम इन्हीं बोनलेस का आपको ग्रिल भी बनाकर दिखाएंगे, ग्रिल बर्गर भी बनाकर दिखाएंगे, ये हमारे समर सीजन में ही। तो समर सीजन में हमारी हुक हंटेड फिश, छोटी हुक हंटेड मीडियम साइज की हुक हंटेड फिश, इनका बोनलेस और सेमी मीडियम प्रॉन्स, ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। मायो भी हम अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको डाइट कॉन्शियस है, जो मायो इस्तेमाल करना नहीं चाहता वो
चीज इस्तेमाल कर सकता है और जो चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता वो सिर्फ सॉसेस इस्तेमाल कर कर वो ये बर्गर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि फिश का अपना ही टेस्ट है, अपनी जूसीनेस है, ये स्नैपर है। और मैं रिकमेंड करता हूँ, वैसे तो हर फिश का बर्गर बन जाता है, अभी जूसी फिश दोस्तों बहुत जबरदस्त फिश बर्गर बना है, बहुत जबरदस्त, दो खा चुके हैं, बहुत भूख लग रही थी, तीसरे में वीडियो बना रहा हूँ।